हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, एसएससी जीएस प्रैक्टिस सेट जो लोग एमटीएस की और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। आज ये सेकंड वीडियो है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तत्काल प्रभाव में मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। क्या है दोस्तों? वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक सभ्यता में मैं कुछ क्वेश्चन आज फिर से करा दे रहा हूँ। यहाँ है दोस्तों कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था दोस्तों, ये मैं वीडियो में करा चुका हूँ दोस्तों, इसके आगे मुझे कराना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पे? व्यवसाय पे आधारित थी दोस्तों। किस पे आधारित थी? व्यवसाय पे। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, तो देखिए इसमें क्या है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी न कि जमीन, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में गाय और साढ़ की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि, गविष्टि का मतलब होता है गाय का अन्वेषण। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिण की बात आई, उसमें आम तौर पे गायें और दासियाँ होती थी, भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करती होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अगला देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपी कौन था दोस्तों? तो मैक्स मूलर था। कौन था? मैक्स मूलर। इसका देखिए व्याख्या देख लीजिए, मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रियों को मानते थे। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति और पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गया। आर्यन जनजाति की प्राचीन बस्ती कहाँ है दोस्तों? सप्त सिंधु। कहाँ है? सप्त सिंधु। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई है, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सभा समान रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती है दोस्तों? समिति। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। राजा की निर्वाचन पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे दोस्तों? बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से। अगला देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्यदेव से समर्पित है और भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है सत्य ही सत्य की ही विजय होती है। निम्न में किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी दोस्तों? तो गार्गी को दी थी। इसके बाद देखिए, याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहत को उपनिषद में मिलता है। अब इसके बाद देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन तथ्यात्मक हैं। प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचक ऋग्वेद में दी गई थी। इसके बाद देखिए, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था? शुल्क सूत्र था। इसके बाद देखिए, जौ गेहूं चावल तथा तंबाकू में से तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांव में निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों,
यहां से भी देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। आप देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बुद्ध की गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। अगला देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है दोस्तों, तो अशोक मौर्य का रुमुदेई स्तंभ। अगला देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अशोक के रुमुदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक की 20वीं वर्ष लुम्बिनी ग्राम में उसने वहां पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे दोस्तों, शाक्य से थे। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन की यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी दोस्तों, राजगृह में। कहाँ पे, राजगृह में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इसमें बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, हर्ष ने किया था। किसने, हर्ष ने। इसके बाद देखिए पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इसके बाद देखिए बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति होता है। क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। तब बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ त्रिपिटक है। यहाँ क्या है, त्रिपिटक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक, उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग क्या थे, स्त्रियां और शूद्र। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पे गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए याज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया। न वेद्याध्ययन का बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में। अगला इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या क्या है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथ धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था दोस्तों, तो देखिए दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते थे, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। इसके बाद देखिए इसमें क्या सही है, ए बी सी सही है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और आत्मावादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अगला देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, भारत की प्राचीनतम धातु सिक्कों को 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पंचमार्क और आहत सिक्के कहते थे। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुई, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक संकेत किए गए। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, पाली पाठ में की गई थी। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लीजिए कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। अगला देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, तो पाली में किया गया था। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है। क्या है, त्रिपिटक। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है,
त्रिपिटक माने सुत पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। सुत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु व भिक्षुणियों के संग में दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अधिम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, निम्न में कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों, बाम सातपास्कनी। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भारत में रची सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ बासमती थी, इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है दोस्तों, तो ये है जन्म। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से, एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, नालंदा में की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। प्रसिद्धि चीन है। यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों ने चंद्रगोमनी, शांति रक्षित तथा कश्मीर में भिक्षुक पद्म संभव शामिल है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ, बोधगया में। बुद्ध का ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते थे क्या दोस्तों, त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यह त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार प्रसार करने वाला धर्म कौन सा है दोस्तों, बौद्ध धर्म है। तो देखिए इच्छा अर्थात तृष्णा शब्द कष्टों का है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध है, गामिनी है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, बौद्ध के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुम्बदाकार छती वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप। इसके बाद देखिए बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप को चैतन्य भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, तो देखिए बुद्ध के समकालीन शासकों में मगध राज बिंबसार और अजात शत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत वत्सराज उदयन था। महापद्मनंद बुद्ध की समकालीन शासक नहीं था। अगला देखिए दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला देखिए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो बुद्ध के युग में। ठीक, इसके बाद देख लीजिए इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती थी, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर कौन थे, 24वें तीर्थकर थे। कौन से, 24वें। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। अगला देखिए, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों, महावीर था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता था। इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। अगला देखिए दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता था। इसके बाद देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म लिया था, तो देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त था। कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म लिया था। उसने जैन सद्र साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक इसी चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, श्रवण बेलगोला। इसके बाद देखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन
केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित रेस्टोरेंट बेलगोला है, गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। इसके बाद देखिए तथ्यात्मक क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे, जिसे बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण कहा जाता था, महापरिनिर्वाण कहा जाता था। अरे यार,